नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है उत्तराखंड के हालचाल। रुख करते हैं पहली खबर से। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा सीट से शिकस्त दी थी। पार्टी हाईकमान ने सदन में विपक्ष उपनेता का पद दिया है। वहीं सदन में उपनेता रह चुके करण महारा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भाजपा से कांग्रेस में एंट्री लेने वाले यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष होंगे। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से रेत बजरी पर रोक लगाए जाने के बाद अब ट्रांसपोर्टर भी साथ खड़े हो गए हैं। घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल के दामों में भी उछाल आना लाजमी हो गया है। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से रेत बजरी लाने पर लगी रोक के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के जाने माने कॉलेज डीएवी में शिक्षक और कर्मचारी तय समय तक कॉलेज में नहीं रहते। इसके अलावा कई शिक्षक और कर्मचारी ज्यादातर छुट्टियों में ही रहते हैं। यह आरोप लगाते हुए आज छात्रों ने डीएवी में हंगामा किया। इसके बाद छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर से वार्ता कर इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस यात्रा की 3 मई से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों के ट्रैक रिकॉर्ड और आपदा की स्थिति आने पर कैसे क्विक रिस्पांस करना है, इसके लिए यात्रा सीजन में नए प्रयोग पर्यटन विभाग करने जा रहा है। इसके लिए पुराने फीडबैक को आधार बनाया गया है। उत्तराखंड के तापमान में बढ़ोतरी से हर कोई जूझ रहा था, वहीं अब मौसम विभाग ने अचंभित करने वाला अनुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 13 और 14 तारीख को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि लगाई है। इसके लिए प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फिलहाल अभी की इन खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जेजेएन न्यूज़ और जेजेएन न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।